हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इस वेल्डिंग मशीन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें साथ में आई है और इसकी वेल्डिंग क्वालिटी कैसी है। वीडियो में बने रहे और वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आई है। सबसे पहले इसके साथ एक बुकलेट आई है जिसपे यूजर मैनुअल, इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं और इस मशीन का नाम है IGBT इन्वर्टर वेल्डिंग। दूसरी चीज है इसके साथ आया है वेल्डिंग होल्डर और एक आया इसके साथ अर्थिंग क्लैंप। और इसके साथ आया है एक हैंड स्क्रीन, मैनुअल हैंड स्क्रीन, जिसको हम आसानी से इसको फिट कर सकते हैं यहां से। और आया इसके साथ मशीन और इसके साथ आया है एक ब्लैक कलर का ग्लास जो कि इस हैंड स्क्रीन के अंदर फिट होगा। चलिए इसको फिट करके देखते हैं। यह कुछ इस तरीके से फिट हो गया है और अब हम डब्बे को रख देते साइड में और हमारे मशीन का जो पीछे का फ्रंट है उसके अंदर एक फैन लगा हुआ है जो इसको कूलिंग करता है और मैं दिखाता हूं आपको इसको साफ। देखिए गाइस, इसके अंदर एक तो प्लस और एक माइनस दो कनेक्टर लगे हुए हैं और एक MCB लगी हुई है और यहां पे इसमें एक करंट मीटर है और ABC फोर्स और एक एम्पियर, दो स्विच दे रखे हैं और एक MCB और एक ये मीटर लगा रखा है। तो चलिए अब इसको चला के चेक करते हैं। हमारी मशीन वेल्डिंग जो वेल्डिंग मशीन है वो ऑन हो चुकी है और इसकी मदद से हम इसका जो फोर्स है वो चेंज कर सकते हैं, एम्पियर चेंज कर सकते हैं, जितना अपने को जरूरत है उस हिसाब से हम इसे सेट कर सकते हैं। और अब हम इसमें होल्डर की लीड कनेक्ट करते हैं। होल्डर की लीड हमेशा प्लस में लगेगी और अर्थिंग क्लैंप की लीड हमेशा माइनस में लगेगी। और इसकी प्राइस दोस्तों, मैं आपको एक लिंक दूंगा, वहां से आप सर्च कर सकते हैं। तो गाइस, ये मशीन आपको कैसी लगी? इसका वजन है लगभग 3 से 4 किलो और इसे कहीं पे भी अपन जो वेल्डिंग करने जाते हैं तो आराम से इसे लेके जा सकते हैं। और इसके जो वेल्डिंग है वो भी काफी ज्यादा मजबूत है और कम लाइट में भी ये चल जाती है। ये 200 एम्पीयर की मशीन है और मैं इसकी इससे आपको वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। वेल्डिंग करके देखते हैं। अभी मैं कर देता हूँ इसे ऑन। अभी इसका जो पावर है वो थोड़ा कम है, मैं इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ। हमारे पास 10 नंबर का इलेक्ट्रोड है 3.15। तो अभी हमारे पास जॉब है, इसको मैं अर्थ कर देता हूँ। अर्थिंग क्लैंप मैंने इस पे लगा दिया है और अब करते हैं इस पे वेल्डिंग। देखिए गाइस, इसकी वेल्डिंग क्वालिटी इतनी शानदार है, मैं तो इस वेल्डिंग मशीन से खुश हो गया। देखिए गाइस, इतनी सुंदर वेल्डिंग आई है इसे। गाइस, इस मशीन की कंपनी का नाम है अलीबाबा। बहुत अच्छी मशीन है और जब भी आप खरीदना चाहते हो तो ये मशीन जरूर खरीदें। अलग अलग कंपनी की आती है लेकिन ये जो DC मशीन है वो बहुत अच्छी रहती है। इसका वेट भी कम है और इसे कहीं पे ले जाके आराम से वेल्डिंग कर सकते हैं और इसकी जो वेल्डिंग क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। गाइस, हमारे पास जो हैंड स्क्रीन है उसके अंदर से दिखाता हूँ आपको वेल्डिंग। गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना।